हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन सहारा क्यूस ऑफ रियल एस्टेट एमवे वैली जैसी कंपनी के निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज दिल्ली हाई कोर्ट में SFIO वर्सेस सहारा क्यूस ऑफ रियल एस्टेट हाउसिंग एमवे वैली जैसे 9 कंपनियों का जो केस पेंडिंग है उसकी आज सुनवाई होने जा रही है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं विस्तार रूप से चर्चा करूंगा कि आज के इस केस में क्या हो सकता है और हम निवेशकों को क्या मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ पिछले एक महीने से बहुत सारे हमारे दर्शक व्यूअर्स बहुत सारा कमेंट करके सवाल पूछ रहे हैं, आज मैं उन सभी सवालों का स्क्रीनशॉट लेकर उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। खासकर उन सवालों को आज मैं शामिल करूंगा जिनका जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिल पाता है, मसलन क्यूस ऑफ वालों का, रियल एस्टेट वालों का, या फिर मैच्योरिटी वालों का, या फिर जिन लोगों का डेथ क्लेम है, नॉमिनी का प्रॉब्लम है, नेम चेंज का प्रॉब्लम है, सर्वर का प्रॉब्लम, इस तरह के बहुत सारे शिकायतें हैं, बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को दे सकूं। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट क्या आज निर्णय लेता है क्यूस ऑफ रियल एस्टेट वाले केस में, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तथा अगर कोई बिग अपडेट आएगा तो मैं शाम को फिर से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को उसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब का ये एपिसोड। दोस्तों, एक व्यूअर्स का सवाल है कि भाई साहब, मैंने 24 जुलाई को अप्लाई किया था, मेरा पेमेंट कब तक होगा? तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अप्लाई करने के बाद सरकार 45 दिन का समय मांग रही है। अगर आपका अप्लाई किए हुए 45 दिन नहीं हुआ है तब आप घबराइए मत, 45 दिन तक इंतज़ार कीजिए। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ सही होगा और रिजेक्ट नहीं किया जाएगा तब 45 दिन के अंदर आपको खाते में कम से कम 10,000 रुपये तो आ ही जाएंगे। हो सकता है कि सरकार कुछ बढ़ा कर भी दे जैसा कि उम्मीद की जा रही है, तो अभी आप 45 दिन का इंतज़ार करें। एक दूसरा सवाल है, शुड वी अप्लाई फॉर द अकाउंट्स नॉट मैच्योर्ड, अर्थात जिसका मैच्योर्ड नहीं हुआ है क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? इसी से संबंधित एक और सवाल है कि जिसका मैच्योरिटी अभी नहीं पूजा है क्या उसका भी परमिट करेगी सरकार? तो जहाँ तक मैच्योरिटी का सवाल है तो उस नोटिफिकेशन में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनका मैच्योर्ड हो चुका है सिर्फ वही अप्लाई करें, जिनका अभी मैच्योरिटी का डेट नहीं आया है वो अप्लाई नहीं करें। सरकार इस प्रकार के किसी भी दावा पर किसी भी तरह का कोई क्लेम अभी नहीं देने वाली है। आप लोग सरकार के वेबसाइट पर जाकर, सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर जाकर उस नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ सकते हैं। तथा अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें इससे संबंधित मैंने बहुत सारे जवाब दिए हैं। बहुत सारा वीडियो मैंने बताया है कि जिनका मैच्योरिटी नहीं हुआ है अभी नहीं अप्लाई करें, सरकार उनको रिफंड नहीं करेगी। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मेरे भाई साहब की मृत्यु हो चुकी है, उनके बॉन्ड में मैं नॉमिनी हूँ, तो फिर पोर्टल की अप्लाई कैसे करूँ, कृपया जानकारी दें। तो बहुत सारे इस तरह के केस आ रहे हैं जिसमें कि डिपॉजिटर की मृत्यु हो चुकी है और नॉमिनी को नहीं पता है कि किस तरह से किया जाए। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि डेथ सर्टिफिकेट लगाकर आप एक नॉमिनी का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको लगाकर एक एफिडेविट कर दीजिए
और फिर आप उस तरह से अप्लाई कीजिए। यह RBI के गाइडलाइन में है, इसकी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। जैसा कि नॉर्मल बैंकिंग लॉ बोलता है कि अगर डिपॉजिटर की मृत्यु हो गई है तो नॉमिनी को एक नॉमिनी का फॉर्म होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एफिडेविट और साथ ही साथ डेथ सर्टिफिकेट लगाकर अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद उनका जो भी दावा होता है, जो भी क्लेम होता है, वो मिल जाता है। सहारा क्यूसोप का कब मिलेगा? तो सहारा क्यूसोप, सहारा हाउसिंग, रियल एस्टेट, एमए वैली जैसे बहुत सारे दूसरे निवेशक जिनको उन चारों सहकारिता समिति में जिनका निवेश नहीं है, उन चारों के अलावा दूसरी अन्य 9 कंपनियों में जिनका निवेश है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि ये भी एक सवाल है कि मैंने 4 सोसाइटी का लिंक खुला था, उसे सेव्ड कर दिया है सहारा क्यूसोप, रियल एस्टेट, हाउसिंग, गोल्ड वगैरह का, कब खुलेगा, कब तक मिलेगा? तो इसी को दोस्तों इसी को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में SFIA वर्सेज सहारा क्यूसोप रियल एस्टेट का केस लगा हुआ है। बहुत जल्द उम्मीद है कि आज अगर दिल्ली हाई कोर्ट कोई जजमेंट कर देता है तो उसके आलोक में सरकार बहुत ही जल्द सहारा क्यूसोप और रियल एस्टेट वालों को पेमेंट करेगी। इसी उम्मीद की जा रही है कि आपको यह खुशखबरी शायद आज शाम तक मिल जाए, या फिर अगर आज नहीं भी होगा तो बहुत ही जल्द इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि अब यह लिस्टिंग हो चुका है और सरकार जल्द ही इस पर कोई ना कोई निर्णय लेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की नज़र भी अब हाई कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही जल्द पैसा मिलेगा। एक और शिकायत है कि पोर्टल नहीं चल रहा है, निवेशक परेशान हो गए। तो यह समस्या बहुत आम बनी हुई है, बहुत सारे निवेशकों का यह कहना है कि पोर्टल सही से नहीं काम कर रहा है। कभी कभी तो पोर्टल में सुधार हो जा रहा है, कभी कभी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो दोस्तों आप लोग घबराएं नहीं, कोशिश करते रहें, सब कभी न कभी पोर्टल चलेगा ही और दावा आपका भरा जाएगा। लेकिन सरकार से यह निवेदन है कि इस तरह की समस्या बराबर बनी जा रही है तो सरकार इस पर कोई कार्रवाई करे और पोर्टल को सुधार करे, जिससे कि निवेशकों को परेशानी नहीं हो। एक सवाल है कि CRCS का टोल फ्री नंबर काम नहीं करता है। दोस्तों टोल फ्री नंबर पर बहुत सारे कॉल आते हैं, वो हमेशा बिजी मिलेगा, आप कोशिश करते रहिए, आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा। सरकार का कहना है कि लगभग करोड़ों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे में सिर्फ 2 ही टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो मेरे सरकार से निवेदन है कि टोल फ्री नंबर की संख्या कुछ और बढ़ाई जाए तथा एक स्थायी रूप से कॉल सेंटर बनाया जाए, जिससे कि निवेशकों के सवालों का सही जवाब मिल सके। एक और सवाल है कि मैंने क्लेम फॉर्म भेज दिया था मगर एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिला है, क्या करें? दूसरा किसी ने कमेंट किया है कि उनका भी सेम प्रॉब्लम है। तो ये सब जो फाइलिंग के समय हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम है या फिर सर्वर का प्रॉब्लम है या फिर कोई और दूसरा कारण है, अगर आपका फॉर्म भर जमा हो चुका है, वहाँ डिपॉजिट हो चुका है, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अगर सर्वर ठीक हो तो आपको मैसेज आ जाए, आप मैसेज चेक करते रहिए, और अगर नहीं भी मैसेज आता है तब आप 45 दिन तक इंतज़ार कर सकें, क्योंकि अभी आप दोबारा तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो 45 दिन इंतज़ार कीजिए। अगर आपका अप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा तो आपको रिफंड आपके खाते में आ जाएगा, आप अपना खाता और मोबाइल चेक करते रहिए। और अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो गया, तब अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप 45 दिन इंतज़ार कर लीजिए जिस दिन आपने फॉर्म भरा था। उसके बाद अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो एक बार कोशिश कीजिए, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप दोबारा उसको भर सकते हैं। सहारा क्यूसोप, सहारा यूनिक, सहारा हाउसिंग बॉन्ड वालों का क्या होने वाला है? तो इसका मैंने जवाब पहले ही दे दिया है। ये सहारा क्यूसोप, सहारा हाउसिंग और सहारा बॉन्ड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लगता है इसके बहुत सारे निवेशक हैं, सरकार को इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जल्दी करना चाहिए। एक दर्शक का कहना है कि ये तय है कि अगर सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो सहारा जमाकर्ता किसी भी कीमत पर BJP को वोट नहीं देना चाहेंगे, जितना सपना वो दिखा रहे हैं। तो सरकार से यह मोदी सरकार से यह अपील करता हूँ कि आप निवेशकों की भावनाओं का ख्याल रखें, उनके दुख दर्द का ख्याल रखें। बहुत सारे निवेशक गरीब
गरीब हैं, बहुत सारे निवेशक ठेला खुमचा वाले हैं, बहुत सारे निवेशक कम पूंजी वाले हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप उनकी जमा पूंजी को ही रख लेंगे, नहीं देंगे इंटरेस्ट की तो बात दूर कीजिए, अगर आप उनकी मूल जमा पूंजी मूल डिपॉजिट अमाउंट ही नहीं देंगे तो फिर उनको काफ़ी दुख होगा। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी निवेशकों के हित में जल्द ही कोई निर्णय करेगा। अभी जो आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है, उम्मीद है कि निवेशकों के हक में ही कोई ना कोई फैसला आएगा। एक और सवाल है, आज गरीब बूढ़े बीमार लोग साइबर कैफे का धक्के खा रहे हैं। दोस्तों, जो ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू की गई है इसमें गरीबों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ से ऑफलाइन प्रक्रिया को भी चालू किया जाए, जिससे कि सहारा के निवेशक सहारा के ब्रांच में जाकर अपना दावा अपना क्लेम भर सके। एक फॉर्म निकालना चाहिए जो ऑफलाइन मोड का हो और सहारा के निवेशक उसको भी भरकर सहारा के ऑफिस में जमा कर अपना क्लेम पा